टीवी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। वरीय पुलिस अधीक्षक व धनबाद एसडीओ के आदेश अनुसार झरिया के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधित पान मसाला पर होलसेल और रिटेलर के यहां छापामारी, जबकि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए पान मसाला पर एक साल के लिए बैन किया है। लेकिन प्रतिबंधित गुटखा पर बैन किए जाने के बावजूद व्यवसायियों के द्वारा सरकार की बातों को दरकिनार करते हुए धड़ल्ले से गुटखा की बिक्री जारी थी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात करीब दर्जनों गुटखा व्यवसायियों के दुकान एवं आवास पर झरिया इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह दलबल के साथ छापामारी कर दो टेम्पो प्रतिबंधित पान मसाला सहित भारी मात्रा में सिगरेट पकड़ी, जिसमें एक आदमी को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई है। वहीं सुदामडी पुलिस भी पातरडी लोगो बाजार और मोहन बाजार के लगभग दो दुकानों में छापामारी कर हजारों रुपए का प्रतिबंधित गुटखा को जब्त किया और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिन व्यापारी के यहाँ छापेमारी नहीं हुई, वह लगातार अपने गुटखा को छिपाने का प्रयास कर रही है। झरिया से मनोज कुमार शाह की रिपोर्ट। सर, पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खास करके लॉकडाउन जब से प्रारंभ हुआ है, तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है नशा से संबंधित गुटखा वगैरह जो भी है सारा प्रतिबंधित है। इसके बाद भी कहीं कहीं इस तरह का चलाया जा रहा है जो खुलम खुला जो है लॉकडाउन और कानून का उल्लंघन है। तो इस संदर्भ में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके आधार पर कार्रवाई प्रारंभ किया गया है और आने वाले समय में भी बदस्तूर जारी रहेगा। और सर, रिकवरी भी? हाँ, आप देख रहे हैं कि कुछ जो चिन्हित जगह था जहाँ से इन्फॉर्मेशन आया था, हम लोग लगे हुए थे इसमें, तो उसके आधार पर छापामारी हुई है और बाकी जो है जांच जारी है कि इससे जुड़े कौन कौन लोग हैं जो इस तरह से प्रतिबंधित गुटखा या उससे संबंधित जो वस्तु का जो है खुलेआम बिक्री कर रहे हैं। सर, उन दुकानदारों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह के तंबाकू का बिक्री कर रहे हैं? बहुत स्पष्ट है कि सरकार का जो नॉर्म्स है, जो अध्यादेश है, उसको लोग माने। और ऐसे भी ये वस्तु जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सरकार का उद्देश्य यही है कि चूँकि COVID-19 का समय है और लोग सारे लोग बीमारी से लड़ रहे हैं और बचने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह का नशा जो है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, तो हर लोग इसको त्याग करें और एक स्वस्थ जीवन जीने का जो परंपरा है उसको पूरा करें और इस नशा का खुलेआम जो है विरोध करें।